इस वीडियो में मैं आपको एक अफिलिएट मार्केटिंग की टिप या फिर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसको आप सब यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे रिजल्ट्स आए थे उसके थ्रू। मैंने एक होस्टिंग पे काफ़ी अच्छी सेल्स की थी। तो देखो, उसके थ्रू आप इजीली $500 से $1,000 इजीली बना सकते हो। तो क्या स्ट्रेटजी है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वही सबसे पहले आपको बनाना है एक ई बुक आप बना सकते हो गूगल डॉक्स की मदद से। आप गूगल डॉक्स यूज़ कर लो या फिर एक्सेल, मतलब आप जो यूज़ करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बट मेरे ख्याल से गूगल डॉक्स ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गूगल डॉक्स यूज़ कर लीजिए। और आपको क्या करना है, आपको एक ईबुक बनानी है जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज बतानी है, जिससे कि अगर आप होस्टिंग प्रमोट कर रहे हो, मैंने होस्टिंग के लिए किया था, मैं होस्टिंग का एग्जाम्पल आपको बताऊँगा, नहीं तो आप ऐसे और भी जितने प्रोडक्ट्स आपकी जो भी निश जिसको भी आप प्रमोट करना चाहते हो उसको टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ईबुक बनाई, उसमें मैंने बताया कि लाइक 7 बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस। मतलब अगर आप वो कॉमर्स का यूज़ करके अपना बिजनेस बनाना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, उसको पूरा स्टेप्स बताया मैंने। और उस ईबुक को मैंने इंस्टामोजो पे एक डाल दिया। इंस्टामोजो इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। तो इंस्टामोजो का मैंने अकाउंट बनाया। इंस्टामोजो का अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है अभी तक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस पर क्लिक करके इंस्टामोजो का अकाउंट बना दीजिए। थोड़ी सी डिटेल्स वो सब मांगते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड या फिर बैंक स्टेटमेंट, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है। वो पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है। तो आपको क्या करना है, उस ई बुक को बनाना है डॉक में, गूगल डॉक्स में, और उसको 10-15 पेज की बुक बना दो। जो भी जितनी भी वैल्यू आप दे सकते हो, चाहे तो आप AI का यूज़ कर लो, चैट GPT का यूज़ कर लो, और ओरिजिनल कंटेंट बना के डालो, किसी को कॉपी करके मत डालो। आपने उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है गूगल डॉक्स से। उसके बाद आपको इंस्टामोजो पे जाके वहाँ पे आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उसको अपलोड करना है। वहाँ पे एक बैनर बना लो कैनवा का यूज़ करके, और उसको आप सिर्फ मात्र ₹10 या फिर आप ₹99 जो भी आपको लगते हैं कि वर्थ, बट मेरे हिसाब से आप उसको 10 या 15 रुपये में रखते हो या फिर फ्री भी रखते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप यहाँ पे एक प्राइस डाल दोगे लाइक ₹29 या फिर ₹59 या ₹47, तो इससे क्या होगा कि आपकी उस बुक की भी सेल होगी और इससे जो यूज़र आएगा वो थोड़ा सीरियस आएगा, तो बुक को सीरियसली पड़ेगा। अगर आप फ्री में ही डाल दोगे लाइक फ्री आप जाओ इंस्टॉल कर लो, मतलब डाउनलोड कर लो, तो आपको ज़्यादा क्वालिटी लीड्स नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए एक प्राइस रखो, ₹9 बेस्ट रहता है, ₹29 या ₹47 या ₹49, जो भी आपको रखना है रख लीजिए। अब उसको आप चाहे जो भी आपका ब्लॉग है या फिर आपकी यूट्यूब वीडियोस है उस पर आप प्रमोट कर सकते हो, सब जगह लिंक्स लगा दो। इवन आप अपने बायो में जब आप कभी कोरा पे फॉर एग्जांपल आप कुछ टाइप करते हो वहाँ पे आंसर्स, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे बायो में दे सकते हो कि फाउंडर ऑफ दिस .com, और आप अपनी वेबसाइट पे अपने उस पेज का अपने बुक का लिंक लगा दो। तो मैंने क्या किया था, मैंने यूज़ किया था अपने फुटर में अपनी thriotech.com का लिंक, और वहाँ पे मैंने काफ़ी बहुत जगह जहाँ भी मैं जाता था लिंकडिन पे आंसर करता था या फिर यूट्यूब वीडियोस देख के कोई जाता था तो वो जाके चेकआउट करता था कि ये वेबसाइट क्या है। और उसके बाद मेरी कुछ ईमेल लिस्ट थी तो मैंने उनको भी शूट किया था, मतलब ईमेल किया था। तो इस तरीके से आप ना महीने का आराम से $400-500 बना सकते हो। और उस ईबुक के अंदर अपनी होस्टिंग की अफिलिएट लिंक्स रखिए। आप साइन अप कर सकते हो किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो, उसका नाम और अफिलिएट प्रोग्राम सर्च करिए इंटरनेट पे गूगल पे और जाके साइन अप कर लीजिए। और जब साइन अप करने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आपके अफिलिएट लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको आप प्रमोट कर सकते हो। जब कोई भी आपके अफिलिएट लिंक से परचेज करेगा या बाय करेगा तो आपको कुछ परसेंट कमीशन यहाँ पे मिलेगा। अगर आप जैसे paidboom.com हमारी जो कंपनी है इसको अगर कोई प्रमोट करता है तो हम पे करते हैं जैसे 25-30%, डिपेंडिंग कि कौन सा प्लान आप प्रमोट कर रहे हो। जैसे हम होस्टिंगर को प्रमोट करते हैं तो दे ऑल्सो पे अस लाइक 50%, 40%, 60%, डिपेंडिंग $60। तो हर कंपनी का अपना एक रेट होता है जिस हिसाब से वो प्रॉफिट बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि अब इसमें दो बेनिफिट है, आपके पास उस यूज़र का डेटा भी आ रहा है, इन फ्यूचर आप उसको अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स आपने और कोई ई बुक बनाए तो वो भी आप बेच सकते हो। तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता था और आज भी करता हूँ। आज तो हमने काफ़ी कुछ बना लिया है, हमारे 5 ब्रांड्स हैं जो कि मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल मतलब बैनर पे लगाया है। इवन मैंने फेसबुक और ट्विटर के बैनर पे भी लगाया हुआ है कि ये दीज आर आर ब्रांड्स, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
तो गाइस आई होप आपको आप आइडिया लग गया एक छोटा सा कि हाउ यू कैन मेक एटलीस्ट $500 पर मंथ यूजिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर स्मॉल एक ई बुक से. कहीं फंसो तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं हमेशा वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ. चलिए गाइस मिलते हैं चैनल पे, ऐसे और भी सारे वीडियोस आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय.